हे गाइस, वेलकम टू द पार्कवे। मेरा नाम अंजू पांडे है और चलिए आज हम उनके बारे में बात करते हैं। वो जो बड़े अजीब से होते हैं ना, वो जिनकी शक्ल तो बुरी होती है, अकल तो उनके पास होती नहीं है। वो जो अजीब अजीब से बातें करके हमें परेशान करते हैं और हर वक्त हमें डिस्टर्ब करते हैं। वो जो अपनी बकबक से हमारा सर खा जाते हैं और हमें बोर कर देते हैं। वो जो हमसे पहले ही हमारा टिफिन खा लेते हैं। वो जो हर वक्त हमारा मजाक बनाते हैं। पर क्या करें, उनसे पीछा भी तो नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हमारे सारे राज उनके पॉकेट में जो हैं। वो जो खुद तो हमारा मजाक बनाते हैं, पर किसी और ने अगर हमारी बुराई उनके सामने की तो उसकी खैर नहीं। वो जो हमारी टेंशन को रिलीज करते हैं। वो जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। वो जो हर सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं। वो जो हमारे चेहरे पर एक स्माइल की वजह होते हैं, हमारे साथी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त। आज जब फ्रेंडशिप की बात हो रही है, मुझे एक कहानी याद आई, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की जो कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन बीच में उन्हें एक रेगिस्तान पार करना होता है। दोनों बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें एक बहस में बदल जाती हैं। तो दूसरा दोस्त पहले दोस्त को एक थप्पड़ मार देता है। पहला दोस्त बहुत दुखी हो जाता है, पर कुछ नहीं कहता। आगे चलकर दोनों रेस्ट करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं कि जो पहला दोस्त होता है वो रेत पर लिखता है, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरा दोस्त देखता तो है, पर कोई रिएक्शन नहीं देता। आगे चलकर उन्हें एक हरा भरा सा स्थान दिखता है, जहां पर एक नहर दिखती है। उस नहर में दोनों नहाने का प्लान करते हैं, पर दोनों जब पानी में जाते हैं तो पहला दोस्त डूबने लग जाता है। दूसरा दोस्त उसकी जान बचाता है और उसे बाहर लेकर आता है। पहला दोस्त जब होश में आता है तो वो पत्थर पर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरा दोस्त कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि भाई, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तो तुमने रेत पर लिखा, पर जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर क्यों लिखा। तो पहला दोस्त मुस्कुराता है और कहता है कि जब भी हमारे बीच कोई तीखी कोई खट्टी बात होगी ना, मैं उसे रेत पर लिखूंगा, ताकि हवा का झोंका आए और उसे उड़ा कर लेकर जाए। ये बातें हमारे बीच में टेम्परेरी होनी चाहिए, लेकिन आज जो तुमने मेरी जान बचाई है ना, ये बात मेरे दिल में हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे पत्थर पर लिखा। ऐसे ही होते हैं ना हमारे दोस्त। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, राइट? हमारे दोस्त हमेशा हमारा फेवर करते हैं और हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाते हैं। अगर हम गलत रास्ते पर चले भी जाएं, तो वो हमें खींच कर सही रास्ते पर ले आते हैं, हमारे साथ गलत रास्ते पर हो नहीं लेते। गाइस, ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, अनकंडीशनल। इसे संजो कर रखने में ही समझदारी है। आज पार्कवे की तरफ से आप सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आई होप आप अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों को चेरिश करेंगे और आगे बहुत सारे खूबसूरत मोमेंट्स बनाएंगे, मेमोरीज बनाएंगे, खुश रहेंगे और बातें करेंगे, बहुत सारी बातें और खूबसूरत बातें अपने दोस्तों के साथ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे अगेन। थैंक यू।